मुझे नहीं पीना चाहिए था। मॉर्निंग राहुल। राहुल तुम गए नहीं? नहीं नहीं, इंटरव्यू आज दिया है, शाम की ट्रेन से मैं घर लौट जाऊंगा। राहुल तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह क्यों आए हो? मैडम नहीं, रहने दो, मैं आज से तुम्हें मैडम नहीं बुलाऊंगा। ये मैडम शब्द के अंदर मुझे डिस्टेंस फील होता है। शुक्रिया जी, आपको नहीं लगता? राहुल तुम मुझसे बहुत छोटे हो, इसलिए तुम मुझे दीदी बुला सकते हो। सॉरी, ये तो मैं कभी नहीं बुलाऊंगा। आई लाइक टू कॉल यू सुप्रिया। आ, 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 आ,
मैं यहाँ पर आपको अपने दिल की बात बताने के लिए आया हूँ। क्या तुम मेरा साथ दे सकती हो? मुझे फिल्म में काम करने का एक चांस दिलवा दो ना। ये नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? फिल्मों में काम करने जैसा ग्लैमर मुझ में नहीं है। ग्लैमर की बात नहीं है राहुल, टैलेंट भी तो कुछ होता है ना। देखो, जितने लोग फिल्मों में काम करते हैं वो सारे पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से सीख कर तो नहीं आते हैं ना। ये मेरा ओपिनियन है राहुल, तुम पहले अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, एक्टिंग के लिए फिर कोशिश करना। फिल्मों में तो तुम कभी भी काम कर सकते हो। मेरा एम्बिशन सुप्रिया के साथ एक फिल्म एज ए हीरो करना। सात चालीस की तुम्हारी ट्रेन है, तुम 8 बजे स्टेशन पहुंचोगे तो क्या गाड़ी तुम्हारा इंतजार करेगी? ऐसा नहीं है डैड, मैं करेक्ट टाइम में यहाँ से निकला था, लेकिन मेन रोड पर फुल ट्रैफिक जाम थी और जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जस्ट निकली ही थी। बहाने कुछ भी बना सकते हो, अगर तुम यहाँ से वक्त से पहले निकल जाते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। समय के महत्व को पहचानो, जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता। बेकार में टिकट भी वेस्ट हो गया। ठीक है, तुम अब ट्रेन से मत जाओ, कल मॉर्निंग फ्लाइट की मैं टिकट करवाता हूँ। तो फिर आप नहीं आ रहे हो क्या? अब क्या है कि यहाँ कुछ जरूरी काम है, काम खत्म होते ही आ जाऊंगा। हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ। क्या बात है राहुल? देखो, मैं अभी घर जा रहा हूँ, इस वक्त मैं एयरपोर्ट से ही फोन कर रहा हूँ। तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आना चाहता हूँ, लेकिन पापा ने डायरेक्ट मुझे एयरपोर्ट पर ही ड्रॉप कर दिया। लेकिन मैं जल्दी यहाँ पर फिर आऊंगा। किस लिए? यहाँ का इंटरव्यू तो हो गया ना। सुप्रिया, मैं तुमसे फिर मिलना चाहता हूँ। वो क्या है ना राहुल, मैं अगले महीने यहाँ नहीं हूँ, आउटडोर शूटिंग के लिए जा रही हूँ। राहुल फोन रखो, मेरे गेस्ट आए हैं। कौन था? राहुल था, एयरपोर्ट से फोन किया। उसने क्यों फोन किया था? राहुल फिल्मों में काम करना चाहता है, कह रहा था मैं कुछ मदद कर दूं। इडियट, उसे इंकरेज करने की कोई जरूरत नहीं, उसका दिमाग खराब हो गया है। मुझे बाला साहब का फोन आया था, फ्राइडे से उनका अगला शेड्यूल शुरू होने वाला है। उसने एडवांस के अलावा कुछ नहीं दिया ना? कुछ अमाउंट और देने के लिए बोलो, उसके बाद जाना। हाँ ठीक है। बैंक में डिपॉजिट करने के लिए तुम्हारे पास कोई चेक तो नहीं पड़ा? है ना। बेटा तू तो कल आने वाला था ना? हाँ आने वाला था, लेकिन ट्रेन मिस हो गई माँ। इंटरव्यू कैसा हुआ? इंटरव्यू तो हो गया, लेकिन पेपर प्रोसेसिंग होने में थोड़ा वक्त जाएगा। तेरे पापा क्यों नहीं आए? उन्हें वहाँ पर कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, वो पूरा करके आ जाएंगे। तू नहा के आ जा, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। गुड इवनिंग सर। आर्टिस्ट सुप्रिया, रूम नंबर 109।